बीजेपी के देवरिया सांसद और यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी के बेटे और पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। शरद त्रिपाठी लिवर की बीमारी से ग्रसित थे और लंबे वक्त से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे। 2014 में संत कबीर नगर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर शरद त्रिपाठी सांसद बने थे। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले जूता कांड के बाद पार्टी ने उनको टिकट न देकर उनके पिता रमापति राम त्रिपाठी को देवरिया सीट से उम्मीदवार बनाया था। शरद त्रिपाठी के अंतिम दर्शन के लिए उनका शव दिल्ली स्थित रमापति राम त्रिपाठी के सरकारी आवास पर कुछ देर में लाया जाएगा। 10 बजे से लोग दिल्ली में उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। दोपहर में शरद का शव झुड़िया गोरखपुर ले जाया जाएगा। अंतिम संस्कार झुड़िया गोरखपुर में ही होगा। पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी के निधन पर गहरा दुख जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक संतृप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति की प्रार्थना की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि श्री शरद त्रिपाठी के असामयिक निधन ने मुझे और साथ ही अन्य लोगों को भी दुखी किया है। उन्हें समाज की सेवा करना और दलितों के लिए काम करना पसंद था। उन्होंने संत कबीर दास जी के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अद्वितीय प्रयास किया। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है, संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बीजेपी की तरफ से भी इस बीच में गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि बीजेपी यूपी के कर्मठ नेता तो संत कबीर नगर के पूर्व सांसद श्री शरद त्रिपाठी जी ने हमेशा जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का काम किया। उनका सामयिक निधन बीजेपी परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं डॉक्टर रमापति जी, सभी परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ सांसद स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, मैं निशब्द हूँ, ऐसा लगता है अभी बोल उठेगा शरद, चल दीदी क्षेत्र में कार्यक्रम करना है, चला गया। प्रभु की यही इच्छा थी, ईश्वर शरद त्रिपाठी जी की आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, संत कबीर नगर से पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री शरद त्रिपाठी जी के निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, वो परिजनों को ये दुख सहने का संबल प्रदान करे। ओम शांति। यूपी के नए डीजीपी की कमान मुकुल गोयल के हाथों में सौंपी गई है। उन्होंने हितेश चंद्र अवस्थी की जगह ली है। मुकुल गोयल 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। हितेश चंद्र अवस्थी ने कार्यकाल विस्तार से इनकार कर दिया था। 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हितेश चंद्र अवस्थी को 4 मार्च 2020 को यूपी डीजीपी नियुक्त किया गया था। हितेश चंद्र अवस्थी 12 साल तक सीबीआई में अपनी सेवा दे चुके हैं। तो आज पदभार संभालेंगे यूपी के नए डीजीपी मुकुल गोयल। उनके हाथ में अब यूपी पुलिस की कमान है। इससे पहले डीजीपी पद से रिटायर हो गए हैं एचसी अवस्थी, उन्हीं की जगह अब मुकुल गोयल जो है नए डीजीपी बनेंगे। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं मुकुल गोयल। बीएसएफ में एडीजी के पद पर तैनात हैं। अब यूपी पुलिस के महानिदेशक बनाए गए हैं। 22 फरवरी 1964 को उनकी जन्मतिथि है। आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एमबीए किया है उन्होंने और मूलतः यूपी के मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं। यूपी में एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी के रूप में भी वो सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सीआईडी, बीएसएफ में भी रहकर काम कर चुके हैं। राष्ट्रपति पुलिस पदक, अति उत्कृष्ट पदक भी उनको मिल चुका है। 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है अभी उनका। यूपी के नए पुलिस महानिदेशक के बारे में हम विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बीएसएफ में एडीजी के पद पर इस वक्त वो तैनात हैं।